इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देशन में स्कूलों में चलाई जा रही क्राइम व साइबर ठगी पर अंकुश लगाने हेतु जागरूकता अभियान के तहत आज मुंडावर थाना अधिकारी नंदलाल जांगिड़ ने मुंडावर कस्बे में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंडावर पहल बल्लुवास में बच्चों को साइबर ठगी एवं साइबर अपराध से बचने के उपाय व गुड टच बैड टच की जानकारी दी। बच्चों को यातायात नियम को विस्तार पूर्वक बताकर यहां यातायात नियमों का पालन हम सबको करना चाहिए, छोटे बच्चों को वाहन नहीं चलाना चाहिए, ना ही माता पिता से वाहन खरीदने की जिद करनी चाहिए, दो पहिया वाहन चलाने वाले परिवार के सदस्यों को हेलमेट लगाने, वाहन के सीमित गति से चलाने, मोटरसाइकिल पर तीन सवारी ना चलने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, गाड़ी के आवश्यक दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, गाड़ी का फिटनेस हमेशा साथ रखने, परिवार के सदस्यों को जानकारी देने कहा ताकि आकस्मिक सड़क हादसे से बचा जा सके, तथा छोटे बच्चे एवं विद्यार्थियों को मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने व फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि मोबाइल ऐप के माध्यम से किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करने तथा अपने परिवारजन के विषय में आवश्यक जानकारी साझा न करने कहा गया। साथ ही मोबाइल फोन से विद्यार्थियों को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दौरान सभी स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक के द्वारा चलाए जा रहे अभियान को सराहनीय बताते हुए कहा कि इसमें बच्चों व अभिभावकों में पुलिस के प्रति एक अच्छा संदेश जाएगा, जिससे आमजन में विश्वास व अपराधियों में भय का स्लोगन चरितार्थ होगा। वहीं मुंडावर थाना अधिकारी का फूल मालाओं व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान पहल प्रधानाचार्य शेर सिंह चौहान, महात्मा गांधी स्कूल मुंडावर प्रधानाचार्य मंजू देवी, मुंडावर प्रधानाचार्य जीतराम जाट, बल्लूवास प्रधानाचार्य सुमन देवी सहित पुलिस स्टाफ उपस्थित रहा। बाद जब से ये मल्टीमीडिया फोन चले हैं, तब से या टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो साइबर अपराध भी बढ़ेंगे, इसमें नो डाउट। सुविधाएं बढ़ी है तो अपराध भी बढ़ते हैं। पहले गांव में गाड़ियां नहीं थी तो एक्सीडेंट नहीं होते थे, अब गाड़ियां हैं तो एक्सीडेंट भी होंगे। मल्टीमीडिया फोन आए तो साइबर अपराध भी एक्टिव होंगे। उन साइबर अपराधों से बचने के लिए मैं कुछ प्रिकॉशंस बता रहा हूं, वो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। एक तो फोन पे जब भी आप यूज करते हैं, ये सभी के लिए, बच्चों के लिए नहीं, फोन जब भी आप यूज करते हैं तो अवांछनीय ऐप आपकी स्क्रीन पे आ जाते हैं, उनको आप बिना मतलब के ऐप हैं उनको इंस्टॉल मत कीजिए। आप वो ऐप डाउनलोड करोगे तो साइबर ठग उसमें पहले से बैठे होते हैं और वो आपको नए नए डायरेक्शन देंगे, ऐसा करो ऐसा करो। अब एक OTP आएगा, आप वो मेरे को भेज दो, वो भेजते सारी आपको फोन करके, और आपको ये नहीं कहेगा आपका पैन कार्ड मेरे को भेजो या आपका ATM कार्ड के नंबर मेरे को भेजो, आपका ATM कार्ड रिन्यू करना है, आपके ऐसे झांसे नहीं लगे। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।